And let's now go straight live to Vigyan Bhavan, where Rural Development Minister Chaudhary Birendra Singh is addressing the gathering. राज्यों के हमारे पंचायती राज मंत्री यहाँ आए और इस कार्यक्रम को इसका महत्व और इसकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों के मंत्रियों का योगदान भी मैं समझता हूँ कि जब वो अपने अपने राज्य के बारे में बताएंगे तो उसका लाभ दूसरे राज्यों को भी मिलेगा और जिस प्रकार से पंचायती राज को आज मजबूत करने की ज़रूरत है वो तभी संभव है जब हम सब मिलके सभी राज्यों के मंत्रियों का राज्य के सचिवों का योगदान और उनकी सोच एक बड़े स्तर पे उसको हम फॉर्मुलेट कर सकें बना सकें और फिर उसको आगे बढ़ा सकें। मैं अपनी बात दोनों भाषाओं में करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं मेरे साथी सहयोगी पंचायती राज के राज्य मंत्री श्री निहाल चंद जी जो मंच पे विराजमान हैं उनका और सुदर्शन भगत जी जो राज्य मंत्री हैं ग्रामीण विकास के मैं दोनों साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में मंचासीन सचिव पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार श्री जेएस माथुर जी और हमारे लैंड डेवलपमेंट लैंड रिसोर्स के सचिव श्री विजय मदान जी, हमारे बीच में उपस्थित सभी राज्यों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारीगण, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारीगण और विकास भागीदारों और मल्टीलेटरल संगठनों के भी यहाँ उपस्थित सहयोगी साथियों और यहाँ सभी महानुभाव देवी और सज्जनों, केंद्र और राज्यों के बीच में आज आप चर्चा करेंगे पंचायती राज संस्थाओं के मजबूती से संबंधित मुद्दों पर और राज्य सरकारों के साथ रचनात्मक बातचीत के लिए इस एक दिन के सम्मेलन को संबोधित करना वास्तव में बहुत ही इसको सौभाग्यशाली मानता हूँ। मेरे विचार में ये सम्मेलन बहुत अच्छे समय पे हो रहा है क्योंकि ज़मीनी स्तर पर परिवर्तन चाहे वे शासन से संबंधित मुद्दों के विषय में हो या सामाजिक सद्भाव के विकास का हो, महिलाओं के सशक्तिकरण का हो और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण का मामला हो या विकास संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता और प्रसार करने के माध्यम से जनता की राय जुटाने का मामला हो या ग्रामीण जनता की जीवन में परिस्थिति में ग्रामीण जनता की जीवन परिस्थिति में सुधार आदि का मामला हो, पंचायती राज संस्थाओं की केंद्रीय भूमिका को सभी ने स्वीकारा है। हम विकास योजनाओं को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी की वकालत करते रहे हैं लेकिन अपेक्षित क्षमता की कमी,
जनता के बीच जागरूकता की कमी जैसे बहुत से अवरोधों के चलते अब तक आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हो सके हैं, और ये एक कारक हम सभी को वर्षों से ज्ञात। मेरा यह विचार है कि साधारण तरीके से काम करके ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के वातावरण में समग्र परिवर्तन लाने में हम सफल होने जा रहे हैं। भारत में विविधता से भरी परिस्थितियों के कारण स्थानीय स्तर पर विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने के लिए नवाचारों की आवश्यकता है। Rural Development Minister Chaudhary Birendra Singh addressing a national conference of state Panchayati Raj ministers. The minister there was talking about strengthening the Panchayati Raj. We'll